दोस्तों कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान के आज के स्टूडियो में 20 ऐसे वर्ल्ड फेमस ड्रामे बताने वाला हूं जो कि आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ये वही ड्रामे हैं जो कि पूरी दुनिया में छा गए थे। दोस्तों नंबर 20 पर ड्रामा सीरियल आता है खानी। ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं ये है 2018 और 2019 के बीच में लॉन्च हुआ था और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ये ड्रामा आता ही हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान में तहलका मच गया था क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी थी बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग थी और ये ड्रामा आज भी लोग वॉच करते हैं। नंबर 19 पर ड्रामा आता है मेहर पौज। दोस्तों ये ड्रामा जो है ये दानिश तैमूर एंड आयशा खान का ड्रामा है और ये लव स्टोरी पर बेस है और आपको बता दूं ये ड्रामा थोड़ा थोड़ा सा इमोशनल भी है, लेकिन ये ड्रामा जो है भैया बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट एंड पूरी दुनिया में पसंद किया गया सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टोरी की वजह से और इसमें जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी वजह से। नंबर 18 पर ड्रामा सीरियल आता है हम सफ़र। माहिरा खान एंड फवाद खान का ड्रामा सीरियल हम सफ़र। आपको पता है कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा सुपर हिट क्यों गया था, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड में काम करके आए हैं इनकी वजह से। दोस्तों नंबर 17 पर ड्रामा सीरियल आता है जुर्म। ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं यह है दूरदर्शन वहाज अली एंड तौबा सिद्दीकी का ड्रामा। अगर आप लोग पाकिस्तानी ड्रामा के फ़ैन हो तो इस ड्रामे को ज़रूर वॉच करें क्योंकि ड्रामा सीरियल जुर्म न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने इसीलिए पसंद किया क्योंकि इसमें जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और डिस्गस्टिंग है। नंबर 16 पर ड्रामा सीरियल आता है जोक सरकार। ड्रामा सीरियल जोक सरकार जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये ड्रामा वाडेरों के ऊपर बनाया गया है जो कि होते हैं वाडेरे टाइप लोग उनके ऊपर, लेकिन एक पुलिस वाला बंदा जो है भैया उन सबसे बचाता है एक लड़की को जिससे हम फरहान सईद के नाम से जानते हैं और हिबा बुखारी के नाम से। तो ये ड्रामा भी वॉच ज़रूर करें। नंबर 15 पर ड्रामा सीरियल आता है एहराम जुनून। ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मोस्ट डिमांडेड ड्रामा बन गया है 2023 में झूम ड्रामा और तेरे बिन ड्रामे के बाद, क्योंकि ये ड्रामा वही ड्रामा है जो कि अभी तक चल रहा है। बाकी सभी जो सुपर हिट ड्रामे वो एंड हो चुके हैं, लेकिन ये ड्रामा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। नंबर 14 पर ड्रामा सीरियल आता है परीजात। ड्रामा सीरियल परीजात इसको कौन नहीं जानता, इसकी स्टोरी की वजह से लोगों ने इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और दोस्तों इस ड्रामे की जो स्टोरी है उसकी वजह से पूरी दुनिया में पसंद किया गया और भारत में तो इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि भैया बस पूछो ही मत। नंबर 13 पर ड्रामा सीरियल आता है खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी पसंद किया गया और आपको बता दूं कि ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी की वजह से माना जाना जाता है और आपको बता दूं इस ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आज भी। नंबर 12 पर ड्रामा सीरियल आता है इश्क है। दानिश तैमूर एंड मीनाल खान का ड्रामा सीरियल इश्क है। ये पता है क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें जो लव स्टोरी है भैया और दोस्तों इसमें जो हार्ट टचिंग सीन है पूछो ही मत। सो लेट्स वॉच ड्रामा सीरियल इश्क है। नंबर 11 पर ड्रामा सीरियल आता है दीवानगी। ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं यह है दानिश तैमूर सर का ब्लॉकबस्टर ड्रामा। अगर आप लोग पाकिस्तानी ड्रामास के फ़ैन हो तो इसको एक बार ज़रूर वॉच करना। मुझे पता है कि आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन दोस्तों ये अपने ज़माने का ब्लॉकबस्टर सुपर हिट ड्रामा है। नंबर 10 पर ऐसा ड्रामा आता है जिसका नाम है फितूर। ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं भैया, अगर आप लोगों ने ये ड्रामा एक बार वॉच कर लिया तो आप मुझे कहेंगे कि वाह यार क्या आपने तो हमें ड्रामा दिया है, क्योंकि इस ड्रामे में जो स्टोरी है भैया और इस ड्रामे में जो सीन्स हैं क्रिएटेड सीन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग एंड रोमांटिक ड्रामा है। सो लेट्स वॉच ड्रामा सीरियल फितूर, आज भी ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। नंबर 9 पर ड्रामा आता है झूम। 2023 में तहलका मचा के रख दिया था इस ड्रामे में, क्योंकि इस ड्रामे में बड़े बड़े एक्टर थे जैसे कि हारून काडवानी,
एंड ज़ारा नूर अब्बास। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ये ड्रामा क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर है। नंबर 8 पर ड्रामा आता है संगेमा, आतिफ असलम सर का ब्लॉकबस्टर ड्रामा, जो कि आते ही तहलका मचा के रख दिया था इस ड्रामे ने, क्योंकि इस ड्रामे में बड़े बड़े एक्टर थे जैसे कुबरा खान, हानिया आमिर और जवियर नोमान एंड नोमान एजाज। तो दोस्तों, आप लोग संगेमा एक बार ज़रूर ट्राई करें, बिलीव मी, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। नंबर 7 पर आता है मेरे हम नशीन। 2022 के अंदर इस ड्रामे ने बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल की और इसकी तरक्की एंड कामयाबी का राज है इस ड्रामे में जो बड़े बड़े एक्टर हैं। सो लेट्स वॉच दिस ड्रामा। नंबर 6 पर आता है तेरे बिन। वहाज अली सर एंड जुबना जैदी का ये जो ड्रामा है, ये पता है कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि भैया इस ड्रामे में बड़े बड़े एक्टर होने के साथ साथ इस ड्रामे की जो स्टोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, एक तरफ से सबीना फारूक और दूसरी तरफ से यमुना जैदी, वहाज अली, और आपको तो पता है कितना ज़्यादा अमेजिंग रहा। नंबर 5 पर आता है मेरे हम सफ़र। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र फरहान सईद का ये ड्रामा है और हानिया आमिर और फरहान सईद कितने बड़े एक्टर हैं आप सब लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और ये मैंने आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि यह ड्रामा कितना ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको यही कहेगा कि भाई मेरे हम सफ़र ड्रामा तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है दो बोल। ड्रामा सीरियल दो बोल जो कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकल ड्रामा, मतलब कि रोमांटिक एंड दोस्तों लव स्टोरी हार्ट टचिंग ड्रामा है। सो लेट्स वॉच ड्रामा सीरियल दो बोल, क्योंकि इस ड्रामे में स्टोरी जो दिखाई गई है अमेजिंग है। नंबर 3 पर आता है अहद वफा। ड्रामा सीरियल अहद वफा पाकिस्तान तारीख का वाहिद ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जो कि इतने कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की थी। इस ड्रामे ने 2020 और 2019 के अंदर मेरे ख्याल से जो है बहुत ही ज़्यादा तरक्की हासिल की। नंबर 2 पर ड्रामा सीरियल आता है मेरे पास तुम हो। अदनान सिद्दीकी, आयशा खान एंड दोस्तों हुमायूं सईद और हीरा मणि का ये ड्रामा पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया के भाइयों ने भी बहुत ही ज़्यादा वॉच किया, और न कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड इस ड्रामे को डब करके देखा गया था, क्योंकि ये ड्रामा जो था इसका नाम जो भैया मेरे पास तुम हो जो था। सो लेट्स वॉच दिस ड्रामा। नंबर 1 पर आता है कैसी तेरी खुदगर्जी। दोस्तों, दुरफिशां सलीम एंड दोस्तों दानिश तैमूर का ये जो ड्रामा था, ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा है, आज भी लोग वॉच करते हैं, आप भी इसको वॉच जरूर करना। सो लेट्स वॉच दिस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। आज की वीडियो तक थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब ज़रूर करें।